मैं चैतन्य प्रविष्ट हुआ यूं कहो तो जब मैं आता हूं ना देखो राजा साहब आएंगे तो राजा साहब का वजीर आएगा नहीं आएगा प्राइम मिनिस्टर अगर यहाँ जाए तो प्राइम मिनिस्टर के साथ होम मिनिस्टर नहीं आएगा इस स्टेट का मिनिस्टर नहीं आएगा चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा वो भी आएगा इस शहर का डीसी नहीं आएगा वो भी था? आएगा ऐसे तो राजा तो हैं हम जब हम पधारे तो हमारे साथ बुद्धि भी आई मन भी आया चित्त भी आया अहंकार भी आया ज्ञान इंद्रियां भी आई इंद्रियां भी आई प्राण भी आ गए अब हम आएंगे तो सब आएंगे पर हम ऐसे गदे ठहरे शरीर में आके आप ही भूल गए हम कौन है अब मान रहे हम तो यही हैं हाँ, मैं मर न जाऊं कैसे ये रोशनी को हम तलवार से काटें कटेगी क्या काट के देख लो डंडे से रोशनी को पीटो पीट सकोगे क्या शस्त्र स्थूल हैं रोशनी सूक्ष्म है स्थूल सूक्ष्म को नहीं है, कुछ कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता है अब देह स्थूल है मन सूक्ष्म है और मैं सूक्ष्म इस सूक्ष्म का भी आधार हूं इसलिए मौत मुझे तो छू ही नहीं सकती मौत सिर्फ देह को ही छू सकती इससे अधिक कुछ नहीं जैसे इस शरीर में मैं हूं या यूं कहो जन्म की प्रतीति हुई हम पैदा हो गए ये फीलिंग आई फीलिंग आई कि तुम पैदा हुए विचार का विषय है ये मैं हूं ये बोध भले बुद्धि के द्वारा प्रदर्शित एक्सप्रेस होता है समझा भी जाता है पर बुद्धि न हो और मन लीन हो जाए जैसे गहरी नींद में जैसे मृत्यु में लीन मतलब ये अभी शीशा सामने है तो उसमें आकृति दिख रही है और शीशा उल्टा दिया तो आकृति दिखेगी भर नहीं चेहरा है जब तक शीशा है तब तक छाया है छाया कब तक है जब तक चेहरा है तो मन जब तक है तब तक जीव है और जीव कब तक है जब तक आत्मा है अब आत्मा कब नहीं हो जाएगी ऐसा तो कोई समय नहीं है जब तुम्हारा होना अनहोना हो जाएगा अच्छा एक बात बताओ आंख खुली है तुम देख रहे हो आंख बंद हो जाए आंख ऐसे पलक बंद कर लो तो क्या दिखेगा अच्छा अगर दिखे नहीं तो तुम नहीं हो आंख न देख सके तो मतलब तुम मर गए इसलिए नहीं कुछ दिख रहा आंख की खिड़की खुली सब दिखने लग गया ऐसे बुद्धि की खिड़की दिखेगी खुलेगी तो बाहर संसार दिखने लग जाएगा और बुद्धि की खिड़की हो गई बंद बाहर दिखना बंद दिखना बंद हुआ है बुद्धि खत्म नहीं हो गई है खत्म हो गई क्या तुम चलो नहीं पैर से तो पैर के चलने की शक्ति खत्म हो जाएगी पैर पैर नहीं रहेंगे रहेंगे जब चल लो जैसे तैरना एक बार सीख लो आप भूलोगे नहीं कभी साइकिल चलाना ड्राइविंग सीख लो याद रहती मन है तो विचार है भावनाएं हैं संकल्प है स्मृतियां हैं सब है मृत्यु में क्या हुआ ये मन का शीशा कहो पलट गया बस अब ये जहां सीधा हुआ उसी को हम जन्म कह देंगे बात समझ रहे ये ये अभी कहो मौत है लिशकारे की ये उठाया और ये देखो जन्म हो गया और ये मर गया इधर वालों को इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा ये करो हैप्पी बर्थडे और करो अब श्यापा मर गया अब ये फिर हो गया हैप्पी बर्थडे और ये फिर मर गया हो गए ना हम ईश्वर ये किया पैदा ये मारा ये पैदा ये मारा ये पैदा बड़ा बड़ा ए, कैसा लग रहा है पहले ये बताओ मुझे ये जो बात हो रही है ये सुनना कैसा लग रहा है किसको अच्छा लग रहा है प्यारे किसको अच्छा लग रहा है अब तुम कहोगे मन को तो यहां मन को अच्छा लगाने को आए हुए थे क्या बस इतना सा ही खेल है मन अब देखिए मन को अच्छा तो सिनेमा भी लगता है स्वामी खंडानंद सरस्वती जी का एक ब्रह्म सूत्र में उन्होंने ये बात कही कहते जब कुत्ते का मेटिंग सीजन होता है तो उनके उनके शब्द हैं बोले वो कुतिया से भिड़ा हुआ है तो हम बच्चे जो कुत्तों से डरते थे भिड़े हुए देख के उसको मारते थे आप कहोगे ये बात का क्या प्रसंग का लेना देना लेना देना ये है जिसका मन संसार रूपी कुतिया में भिड़ा रहेगा उसको यमराज मारता है ले मर। ऐसे कुत्ते से बोले हम डरते थे कुत्ता दिख जाए तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे पर जब कुत्ते का मेटिंग सीजन हो और वो कुतिया के साथ है तब बोले उस समय पर हम जा जाके उसको पत्थर मारते थे बोले फिर नहीं डर लगता था क्योंकि मालूम है अब ये कुछ कर नहीं सकता ये अब कुछ कर नहीं ये ये खुद फंस गया तो जीव अपने लोभ से खुद फंस जाता है ईश्वर किसी को नहीं फंसाते जीव खुद अपनी वासना से मैं जन्मा हूँ हाय मैं मर जाऊँगा ये चिंता करता है ईश्वर किसी को ना फंसाते हैं ना ईश्वर किसी को मुक्ति देते हैं जीव अपने अज्ञान से आप फंस जाता है और जीव जब सदगुरु के पास जाए ज्ञान श्रवण करे ज्ञान का निश्चय हो जाए तो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ ये जानकर सभी बंधनों से जो बंधन थे ही नहीं वो उनसे मुक्त हो जाता है ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरूंगा ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरूंगा तो जो जन्मा नहीं हूं तो मरने का भय क्यों करूं मन जब तलक इस अज्ञान की निद्रा में रहता है तब तलक सब सिमटा हुआ है इसके अंदर जहां शरीर मिला माने शरीर की उत्पत्ति हुई अब शरीर की उत्पत्ति करना काम प्रकृति का है यू समझिए हमने एक पत्थर फेंका नदी में देखा सतह पे कई बार ऐसे पटक पटक कर चपाक से डूब जाता है ऐसे फेंकते जाओ सब अंदर बैठे रहेंगे यूं फेंकते फेंकते में एक आदमी ऐसे फेंक रहा था फेंकते फेंकते में उसने अपना फोन भी फेंक दिया ऐसे उठावे फेंके ऐसे उठावे फेंके तो खेल खेल में जल्दीबाजी में फेंक दिया अब बाहर कैसे निकाले तो तैर के वहाँ तक गए डुबकी मारी अंदर घुसे अंधेरा था फिर बाहर आए रोशनी का प्रबंध किया फिर मैं टॉर्च वाली कैप ली ऑक्सीजन मास्क ली सिलेंडर लिया गहरे में उतर गए वहाँ से ढूंढा, ढूंढ दूंड के निकाल लाया कहता मेरा फोन मुझे मिल गया पहले गुम हो गया था और गुम भी तो खुद ही किया था खुद गुम किया खुद ढूंढ लो <laughs> किसने गुम किया तुम मुझे पूछते हो गुरुजी शांति नहीं गुम तूने की ढूंढ <laughs> कहां गवाई और काहे गवाई पहचानते हो तो ढूंढ लो वापिस तुमको हम यही भूल गए हम तो यही भूल गए कि कहा गुम किया है कहा फिर जरूरत पड़ती है सदगुरु की जो तुम्हें यह याद करवाए कि जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो जिस मोक्ष को तुम ढूंढ रहे हो वह आनंद वह मोक्ष तुम्हारा ही निज स्वरूप है तो यहां वहां क्या जाना जाना तो बस अपने में जाना और नहीं कहीं जाना अपने आप को समझाना तो बस यही समझाना यही बोध यही ज्ञान यही सुरत इसी को सुरत बोलते सुरत माने स्मृति हो गई याद आ गई मुझको कौन हूं मैं लग गया पता समझ लग गई समझ पई तो फिर रौला की गल समझ ली तो रौला की और ना समझ लगे तो दिमाग खराब करते रहो इतनी इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर समझ नहीं आई तो रोला ही पाएगा ना फिर इतना अद्भुत आत्मज्ञान श्रवण करवा रही हूं मैं और बाद में कोई मिले ये हो गया डू यू सो आई एम इंटरेस्टेड इन इन योर ये हो गया बेटा पूछता नहीं मैं तो फिर पैदा काहे किया था ये जी वो तो हो गया ना <laughs> किया नहीं था हो गया तो कभी कभी जब कोई बात समझे नहीं ना मेरी मैं प्यार से समझा रही हूँ भाई समझ लो नहीं समझे एक सज्जन कहने लगे बच्चों का तकलीफ था वो वो लगे सुनाने अपनी बात थोड़ी देर तो मैंने सुन ली फिर मैंने उनको कहा देखिए पूर्व मांसरा ये कहती है कर्म का सिद्धांत ये कहता है आपके पाप कर्म आपकी संतान बन के आते हैं दुख देते दुख देते और आपके पुण्य कर्म भी आपकी संतान बन के आते हैं पुण्य होंगे संतान सुख देगी पाप अधिक होंगे अब ना उनका चेहरा देखने वाला था मैं आया हूं हम दर्दी लेने ये मुझे कह रहे तू तो पापी <laughs> कह तो वो कुछ सके नहीं अब शास्त्र के आगे क्या तर्क उठाएंगे गुरुजी के आगे क्या तर्क उठाएंगे फिर कहते अच्छा जी कुछ तो बताओ ना अब हम क्या करें मैं अब तो एक ही चीज हो सकती है सरकार को बोलो बच्चों को तलाक देने का कोई इंतजाम करो पति पत्नी का होता है बच्चों का होता नहीं कुछ करवा लो उसका उपाय कैसे जो उपाय हो सकते तो दुर्योधन को मारना ना पड़ता <laughs> दुष्शासन को मारना न पड़ता और तो और करण को मारना न पड़ता कौन है पांडु पुत्र तो नहीं कुंती का पुत्र तो है और अपने आप में बहुत नैष्टिक साधक था वो कोई छोटी बात नहीं है गुरु परशुराम का प्रिय शिष्य था छोटी बात नहीं है लेकिन समझाया उसको छोड़ दे गलत जगह स्वयं कृष्ण समझा रहे छोड़ दे नहीं समझ रहा बोल नहीं तुम तो चलो फिर तुम्हारा भी कांड करेंगे वार्निंग दी है समझाया है न समझो तो क्या करें सुख दुख दो कपड़े पहरे जाए मनुख मानव को दो कपड़े मिलते हैं ये दो कपड़े वो पहनता है कौन कपड़े पहनता आपका मन पहनता है दुखी कौन होता है शरीर के मन मन ने दुख और सुख के दो कपड़े पहने हैं और ये दो कपड़े पहनने के कारण ही इस मन वाले जीव को हम मनुष्य कहते हैं ये मन है तुम लगा के बैठ गए असत वस्तुओं के साथ असत को सत मानना यह अज्ञान का दूसरा रूप है दुख वाली वस्तु से सुख की भावना करना यह भी अज्ञान का तीसरा रूप है अब अज्ञानी आदमी को आनंद तो मिल नहीं सकता है देह बन के जियोगे मौत से डर लगेगा मन बन के जियोगे दुख के लिए घबराओगे सुख के लिए लालच करोगे एक फिनामिन है यह एक नियम है इसका धर्म मजहब संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं सिख हो हिंदू हो मुसलमान हो जैनी हो बौद्ध हो दुख से डरता नहीं है क्या डरता है सुख की कामना नहीं करता है क्या करता है मौत से नहीं डरता है डरता है मन के साथ जब अपने अस्तित्व को जोड़ेंगे तो दुख से भय और सुख का लोभ आवेगा ही आवेगा अब मन के विक्षेप मुझे न हो देखिए मन के विक्षेप थोड़ा इस इस वाक्य का थोड़ा शोधन करते हैं मन के विक्षेप मैंने कहा मन के विक्षेप मुझे न हो पर विचार करो मन के विक्षेप मन को होते हैं कि मुझको होते मन के विक्षेप मन ही को होते हैं और मन ही दुख भोगता है फिर तुम ये क्यों कहते हो मैं दुखी हूं कहो मन दुखी कहो मन सुखी है पर यह एक बहुत बड़ी बीमारी है मन सुखी रहे और मेरे मन को कभी दुख ना मिले ये हट है आपकी हट है जिद है जिद है और यही जिद तुम्हें दुखी करती रहती दुख आएगा मन तक आएगा सुख आएगा मन तक आएगा मैं मन नहीं हूं मैं मन के अंदर होते परिवर्तनों से परे मन का दृष्टा हूं मन को जान रहा हूं किसने जाना अब मन में दुख है किसने जाना अब मन में सुख है अच्छा अभी यह कौन जान रहा है कि बुद्धि को बातें समझ नहीं लग रही बुद्धि समझ रही नहीं समझ रही बात समझ लग गई तो आप कहते हां हाँ, मुझे समझ लग गई तुम्हें समझ लग गई किसको समझ लग गई और नहीं लगी तो, तो बेजती बुद्धि की हुई कि तुम्हारी तो आपने क्यों मानते हो हमारे एक बड़े प्यारे स्वामी जी गंगा किनारे सैर करते हुए गिर गए गिर गए घुटने पर चोट लग गई यहां मुझे मिलने आए मैंने कहा रे ये क्या हुआ तो वो बोले कुछ नहीं बस गंगा जी के तट पर सैर कर रहा था और बस आश्रम पहुंचने ही वाला था मदर ग्रेविटी जस्ट वांटेड टू एम्ब्रेस मी सो शी पुल्ड मी डाउन मदर ग्रेविटी धरती माता को गुरुत्वाकर्षण माता को मुझे प्यार करना था तो उसने अपनी तरफ मुझे खींच लिया अब ये साधुओं की भाषा है ये साधुओं की बोली छिल गया था घुटना उनका मैं कुछ लगाए कुछ दवा मंगाएं बोले नहीं बस थोड़ा घी लगा लिया था ठीक है अरे जंगल में जो साधु रहे हैं वो फर्स्ट एड के डब्बे लेके घूमते हैं क्या साधु का तो तुम क्या मैं कहूं अब तुम तुमको तो सुनने में भी बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ये कैसा जीवन जीते हैं कोई सिक्योरिटी नहीं रखते न पैसे की न कपड़े की न सामान की न फर्स्ट एड बॉक्स की न टटनस के टीके साथ में रखते भूख लगी कौन कौन वृक्ष के पत्ते खाए जा सकते हैं वह वह वृक्ष के पत्ते तोड़े पत्थर पे रखे पत्थर से पीसे जैसे चटनी खावे कोई ऐसे खा लिए और बहते हुए किसी भी जल से जल पी लिया और बैठ गए अभ्यास में अब मन में ना बेटा ना बेटी ना ना लेना ना देना कोई ही नहीं है मन में बैठे तो घंटों ही बैठे है अच्छा हाँ खुली अब तो चलो कुछ शास्त्र पढ़ लेते एक, -एक अक्षर याद है स्मरण में फिर भी पढ़ते पढ़ने में रस आ रहा थोड़ा गंगा जी पे टहल लिए स्वाध्याय कर लिया अभ्यास कर लिया आसन कर लिए बादलों से बातें कर ली पर्वतों का दर्शन कर लिया नदियों का संगीत सुन लिया और बाह का सिराना दे सिर के, के नीचे भाई करवट लेके थोड़ा सोस्ता लिए एक समय में वेदांत सिर्फ ऐसे ही साधुओं को पढ़ाया जाता था कोई ग्रस्त आ जाए बाल बच्चेदार व्यवसायी उद्योगपति धन्य वाला और पूछे वेदांत कुछ समझा दो कहते थे, थे बेटा अभी तेरा समय नहीं आया अभी जाओ अभी पूजन कर लो थोड़ा मंत्र जप कर लो थोड़ा दान कर लो और बस अभी इसी को करो भोगो संसार सुख दुख वासनाओं को कामनाओं को भोगो अभी तुम्हारा समय नहीं बात भी नहीं करते थे पचास साल पहले तक भी ऐसा ही चलता था वेदांत का श्रवण मनन सिर्फ सन्यासियों को कराया जाता था दूसरों को सुनाया भी नहीं जाता था क्यों जिसका मन कमजोर है जिसके मन में अभी पोते पोतियां और बेटे बेटियों की ममता छाई हुई वो कहाँ से समझेगा इस बात को उसे कहोगे भगवान का ध्यान लगाओ अब आंख बंद करके उसे पोता दिख रहा होगा घर दिख रहा होगा मकान दिख रहा होगा धन दिख रहा होगा वो हमारा आज मन ही नहीं लग रहा तो महाराज ऐसों को तो ध्यान लगवाने की बात कहते भी नहीं थे पूछ भी ले तो कहते थे नहीं जाओ थोड़े रामायण पढ़ लिया करो जाओ थोड़ा गायत्री का जप कर लेना थोड़ा महामृत्युंजय तुंजे कर लेना बस ये सब विषय नहीं खोलते थे क्योंकि अनाधिकारी को अनाधिकारी को सुनाने का क्या लाभ चार साल के बच्चे को एमए की क्लास में बैठा दोगे उसे क्या समझ आएगी इस ब्रह्म विद्या को समझने के लिए जिस बुद्धि की जरूरत है वो बुद्धि जब तक नहीं होगी ये बात समझ नहीं आएगी मन में वैराग्य तितिक्षा श्रद्धा ना हो तो ये बात समझ नहीं आती नहीं आती ये समझ भले कबीरपंथी हो भले वेदांती हो प्रश्न ये नहीं है कि वो किस मार्ग में चल रहा है प्रश्न कहीं कहते तो ना जी हमने क्या लेना इन सब आत्मा परमात्मा ब्रह्म हमको नहीं से कुछ वास्ता हम तो बस वाहिगुरु वाहे गुरु राम 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 कर लेते हैं हमारे लिए इतना ही बहुत है ये इतना भी होता है क्या तुमसे सच में कि धोखा दे रहे हो खुद को जिसका मन भागता फिर है संसार में वो कैसे है वो कैसे करेगा वजन वजन में भी मन नहीं टिकता इसलिए आधे समय मेरे पास ऐसे ही प्रश्न आए रहते कभी कभी तो लगता है भगवान हम मेंटल हॉस्पिटल लें वही अच्छा है किसी को दुख दुखी लगती है किसी को पेल्पिटेशन होती है किसी को घबराहट होती है किसी को डर लगता है किसी को नींद नहीं आती किसी को भूत दिख रहे किसी हिस्टीरिया हो रहा है क्या ऐसे ऐसों को क्या सुना हूँ मैं क्रम है क्रम है क्रम है क्रम है बहुत छोटा है अभी कुछ नहीं समझता है चलो भाई मंत्र जप करो दैट इज गुड करते 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 मन कुछ तो टिकना सीख जाएगा और भागना चाहता है संसार के पीछे तो खूब भाग ले भाग ले भोग ले थक के हार के संसार आसार है कुछ तो समझ के आ कुछ बड़ी पक्वता मेचोरिटी लेकर गया बाबा बुलेश्वर जी का ये पीड़ा ये उनकी पीड़ा है ये उनका वैराग्य है ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਤੁਹਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਤੁਹਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਈਂਦਾ